घुमारवीं शहर के गांधी चौक पर एक महिला के साथ हुए कथित शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के मामले में घुमारवीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल हुई कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। डीएसपी घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने बताया कि पुलिस ने मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस छानबीन कर रही है। घुमारवीं शहर के गांधी चौक पर एक महिला के साथ हुए कथित शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के मामले में घुमारवीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल हुई कार को भी आज अपने कब्जे में ले लिया। बताते चलें कि जाहो क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने आरोपी के खिलाफ उसे जबरदस्त गाड़ी में बैठाने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने का भी आरोप लगाया था। आरोपियों के खिलाफ ये भी आरोप था कि इन लोगों ने इस महिला तथा इसके साथ महिला के बेटे सहित एक अन्य युवक को भी लोहारवी के आसपास बेरहमी से पीटा था। शिकायतकर्ता की शिकायत पर घुमारवीं पुलिस ने मामले के आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354D, 323 व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। घुमारवीं पुलिस ने तीनों शिकायतकर्ताओं का मेडिकल करवा दिया। घुमारवीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने बताया कि पुलिस ने मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की छानबीन जारी है। अभी हाल ही में दिनांक 29/8/2019 को एक महिला ने हमारे पास एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि घुमारवीं में वो किसी बस का वेट कर रही थी करीब 9:30 बजे के करीब। तो जब बस का वेट कर रही थी तो अकेली थी वहाँ पे, तो कोई गाड़ी वाला आता है तो उसके साथ उसने छेड़खानी की है, जो उसने हमारे पास कंप्लेंट दर्ज करवाई है जिस पर हमने FIR दर्ज की है छेड़खानी से लेके। तो उसने जो है हमने FIR दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम जो है प्रदीप कुमार, राजीव और पुनीत। ये जो है यहाँ नज़दीक गांव के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने ये इस काम को अंजाम दिया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया है।